देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मम्मी आ जाओ, पापा का इंटरव्यू आ रहा है, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी इंटरव्यू आ रहा है हमारे लाल को। नमस्कार, ए टू जेड न्यूज में आज आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच है कानपुर के दरोगा हप्पू सिंह, तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। दरोगा हप्पू सिंह, आजकल आपके नाम की धूम मची हुई है चारों तरफ और अपराधियों के दिल में आपके नाम की दहशत फैल गई है। सुनिए तो बताइए कुछ उसके बारे में। कौप है हमाऊ, असल में क्या है हमाऊ, आदत नहीं है ना गुनगान करेगी। हमने तो ऐसे ऐसे अपराधियों को दबोचु है। हमाऊ जीवन को एक ही उद्देश्य, अपराधियों को जड़ से मिटानो, जब शहर से बिल्कुल खात्मा कर देंगे। जो हमने प्रण लो है यही खिलाने, हमने वर्दी पहनी है। क्या बात है, लेकिन अब भी कई खूंखार अपराधी खुले घूम रहे। घूम नहीं रहे, असल में हम चाह रहे हैं इसे घूम रहे हैं। हमें पता है हम जब चाहेंगे दबोच लेंगे। तो ना घूम लो फिर लो, अच्छी बात है, घूम लें दो। लेकिन आपको तो पता ही है, हर कुत्ता को देना तो है बस। क्या पापा, आप खुद ही को कुत्ता बोल रहे हो? अरे तू आदमी है का पजामा, उपमा दे रहे, सुन तो ना कहा कि तुम बाप की बहादुरी। तो क्या पांडे सुल्तान जैसे अपराधी को आपसे डरना चाहिए? का नाम बताओ? पांडे सुल्तान। पांडे सुल्तान जैसे अपराधी हमारी बगल में दबे रहते हैं। जो नामो मूड करते हैं, ऐसे करते हैं सारे, उनको जूस निकल जाता है। पांडे सुल्तान जैसे छुटवइये गुंडे, ये लौंडा लफाड़ियों से डरने की जरूरत नहीं है। शहर को हम यही बता रहे, ऐसे गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ये भीड़ भाड़ में वो भी सुन रहा हुए ना पांडे सुल्तान, तो सुन ले बेटा, तू जौन दिन दरोगा हप्पू सिंह के हाथे चढ़ गो, सारे बीच चौराहे तेरो एनकाउंटर करेंगे, छाती में चढ़ के गोली मारेंगे और तू चित हो जाएगी, गुर्दा छीन देंगे हम तुम्हें, हमें टेंशन नहीं है। हमारा बस एक ही उद्देश्य है, अपराधियों से जब कानपुर शहर को मुक्त कर लो बस। आग लगा दी अपने। क्या बात है, क्या बात है, हमारा लाल। अरे पापा, आपने तो चार चांद लगा दिए, लाइफ में पहली बार आपको पापा बोलने में अब शर्म नहीं आएगी। थैंक यू पापा, आपने बताओ हमारी नाक कटने से बचा ली। हाँ, अब मैं फिर से अपना सर उठाकर स्कूल जाया करूंगी। अच्छा, मैं से घर पे छोड़ के जाती थी। देख लिया बहू, हमें तो पतो हतो कि अम्माओ लौंडे का सीना कैसा फौलादी है, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गऊ है लाल। मतलब हमें ना मालूम है इतने बहादुर निकली अम्मा। बहू अब तो मान गई हमारे दूध को असर। अरे अम्मा नतमस्तक है हम तुम्हारे आगे, भैया तुम्हारे दूध में अम्मा बहुत ताकत है। खुश रहो, खुश रहो। चलो अम्मा सही टाइम पे बाने उफान मारो। हम तुम फिर दूध पे आ गई। नाचो नाटो नाचो नाटो नाचो। अरे बाप, अबे दिखाई नहीं देगा बे। अरे लगी तुम्हें क्या आपको? अरे बाप, आराम से। तो क्या चाहते हो, मतलब कुछ रह गया तो लाके ट्रक चढ़ा दो ना। लगी तो नहीं, लगी तो नहीं बोल रहे हो? एक मिनट, आप बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह कहाँ कूद रहे हैं? हमारे बीच का मट। अच्छा देखिए क्या है, अगर आप लोगों को लगता है कि हमसे चोट लगी है, वैसे तो लगी नहीं, फिर भी हम जो है करबद्ध निवेदन करके हाथ जोड़ के माफी मांग ले रहे हैं। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गया है, अपना ख्याल रखिए, हम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए। हेलो हेलो हेलो, माफी की बनाओ बत्ती, हैं अगली बार ध्यान रखोगे, अभी जो किए हो उसका हड्डी पसली तोड़े उसका क्या। सुनो ऐसा भैया, हम जो ना इतने देर से सराफत से बात कर रहे हैं ना। हाँ तुम बहुत शरीफ आदमी हो, हम का डकैत लगते हैं तुमको? अरे यार बेफजूल का जो एकदम सींग निकाले पड़े हो, शादी शुदा हो का? हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता? कभी कोई कैसे गुरु। क्या है ना, हम बता रहे हैं, जो तुम मतलब बग्गू है ना, बग्गू मतलब तुम्हारी भाभी है, वो जो है जब भी वो घर पे एकदम दिमाग का हमारा जो है तब फ्यूज उड़ा देती ना, तब सारा कुछ होते हुए भी मैं पूरा गुस्सा जो है अपने अंदर काबू में करा रखता हूँ, घर के अंदर कुछ नहीं करता, बाहर निकलता हूँ ऐसे ही तुम जैसे लोगों की तरह ना सड़क पे ऐसे जाहिल पना करता रहता हूँ, भाभी के चक्कर में जाहिल। अबे हमारी बीवी को गाली दे रहा है बे। अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, हम तुम लोग को गरी आ रहे हैं, जाहिल तुमको बोले। ये ऐसे नहीं मानेगा, छोटे पहले इसको पहले। बग्गो बग्गो चल मार।
ठीक हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ बैठो, बैठो तो। जीजू, रज्जू, कहाँ है गाँव? अरे तुम चिल्ला कह रही हैं ऐसे? कहाँ है, कहीं चिल्ला रही हो? जीजू, रज्जू, देखो ना बेनी कुछ भी नहीं बोल रहे, इतना मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहे। कहीं शर्मा रही हो, मुंह खोलो ना, कहाँ है गाँव, कछु ना बोलो ना। ठहर जाओ, हो सकता मुंह में पान भरू का जाके। कैसी बात कर रहा बाप? जीजू, इनकी मजा ले क्या कि मेरे बिना पान खा ले? इनके 32 दांत 16 करने हैं क्या? देख मुझसे बात मन्ना ना, यो लग रहा कि तू ना फालतू में ज्यादा ही घबरा रही। रुक जरा एक मिनट, मन्ना बात करने दे, रुक। ऐसू का करेगी बनी अंकल। देखो बात ऐसी है, अगर बोलना अरे मतलब अगर बोलना शुरू नहीं करे ना तो मस्ती चली जाएगी माई के एक महीने के लिए। अरे ऐसी उदाहरण दे रही की आदमी बोलते हुए तो सारो जान बूझ के ना बोले। तू फेल हो गई, भागया थे, आजा। क्या बात कर रहे हैं? अरे तुमने ऐसी बात कर दी, तुमको पता ही नहीं है, लेकिन हमें पता है जा कि कौन सी नस पे पांव धन्ने हैं और नस पे पांव धरू नहीं है कि मुंह खोलेगू। अभी देखो बेटा ऐसू है, तेरे साथ जो पार्टी फिक्स करी थी ना हमने जवाली, बस समझ ली अब कैंसिल हो गई और हम पार्टी अब करेंगे मनोहर के साथ। देखो बुलवा लो। तूने जो बिमले से छुपा छुपा के 10,000 रुपये जोड़े थे और हमें दे थे, भी हमसे धोखे में खर्च हो गए क्या? अब देखो बोल, अबे सच में खर्च हो गए? ठहर जा, अम्मा बालू फॉर्मूला अपनाने पड़ेगा। पीटे थी? दरोगा अप्पू सिंह बड़ो चौधरी बन रहो है, पांडे सुल्तान को खुलेआम धमकी देते। अब देख पांडे सुल्तान तीरु का हाल करतु है, कल रात 12 बजे से पहले तो को नीचे से ऊपर ना पहुंचाओ तो हमारा नाम पांडे सुल्तान नहीं है। अरे दादा वैसा सुनो, तुम्हारे चक्कर में ना ये पांडे सुल्तान ने हमको ऐसे धमकी दी, वो में मुंह में घुस के, समझे कि नहीं, भर दिया मुंह में और घूसा भी मारा अलग से, तुम्हारे चक्कर में। जीजू ये क्या तरीका है? अरे पत्थर में कागज बांध के भी फेंक सकते थे, कोरियर भी कर सकते थे, मेरे बेनी का मुंह बंद कराने की क्या जरूरत थी? देखो बिन्नो, पांडे सुल्तान को पता नहीं है कि बाकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अरे तुम्हारे जीजा बाको छोड़े नहीं, बाको लापता कर दिए। कहे बेटा ऐसा है, मम्मी मन्ना तो बहुत हंसी आ रही, मतलब इतने दबंग आदमी को धमकी दिलवा दी है, उसे पता नहीं कि हमारे बापू के मतलब कोई फर्क ही ना पड़ता। अरे बेटा हमारे जो अंदर ना लड्डू से भरी परात वो पलट रही है। हाँ पांडे सुल्तान को जो नहीं पता है कि तुम्हारे पापा कितने महान है, बा के गुर्दन में ऐसे लाल मिर्च और ठूस ठूस के ठूस ठूस बा को सीधे। ससुर सुल्तान से पंगा लेनो तो भारी पड़ गो। मनोहर को फोन करते। हेलो, बोलिए सर। तूने हमें कहाँ फंसा के धर दो यार, कौन से जन्म को बदला ले रहे हो जो? सर अगर आपके कर्मों के हिसाब से बात करें तो इस जन्म के कुकर्म भी भारी पड़ जाएंगे सर। अच्छा तो जाको मतलब तू मान रहे हो ना कि बदला ले रहे हो? नहीं नहीं सर, मौका ही नहीं मिलता। मेरा मतलब भगवान करे कि ऐसा मौका मिले सर। तो सारे बार बार हमें झूठी इन्फॉर्मेशन काहे दे रहे हो? व्हाट डू यू मीन सर, झूठी इन्फॉर्मेशन देकर मुझे मरना है क्या सर? अरे तो फिर जो पांडे सुल्तान एकदम स्वस्थ से खूंखार कैसे बन गए? एक्चुअली सर लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से पांडे सुल्तान से पंगा लेना यानी कि मौत को दावत देने के बराबर है सर। तो अब बता रहा हूँ, सारे इतने राय तो फैल गए, पता है तुमको आफत आ गई कि सारे हमारी जान के पीछे पड़ गए वो भाव कैसे जो? सर सुनने में आया है कि पांडे सुल्तान को कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर मिला है सर, तगड़ा वाला, जिसने पांडे सुल्तान की पूजी हुई मशाल में फिर से हाथ चला दी और अब पांडे सुल्तान पहले से ज्यादा खतरनाक बन गया है सर।
पहले काई नहीं बताओ, इतने फंसा के धर दो हमें सारे, भारी पड़ गए हमें सारे पास पंगा लेनू, का करे बता। बच के रहिए सर, ऑल द बेस्ट। क्या कह रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक। हेलो, अरे बेस्ट, हेलो, सॉरी। दरोगा जी, हमारी एक शिकायत दर्ज करो। हमारे जो पति हैं ना, आजकल बाहर के मिशन पे बहुत ध्यान दे रही हैं और अपने घर को मिशन भूल गए। अरे यार, तुम अपनी राग अलाप रही, तुम्हें पता है ना दिन भर बड़े बड़े चोर उचक की बदमाशन से हमारा पाला पड़ते हुए हमारी खोपड़िया पे बनना आ रही है यार। फिर तो तुम्हारे दिल दिमाग सब जगह ना ऐसे प्योर की चिंगारी जलाने को टाइम आएगा। वो है तुम्हारे इरादे हमें अभी बिल्कुल ठीक ना लग रहे। हमारे इरादे ठीक कैसे हुए हैं? जॉन को पति तो दबंग होए, हाँ बाकी बात तो फिर भी बीत रही है ना। हम जो कह रहे हैं चलो प्यार को माहौल बन गया है। अरे तुम ठहर जाओ यार। ओ दादा, अबे आ रही है। टाइम पे जो औरत हमें शुरू से पसंद है, कुआ मर रहो। हाय 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 हाय, भाभी जी के जलवे सबसे अलग हैं, क्या नाचती हैं। हाय 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 हाय, समझो हर पल हमारी नजरों के सामने। और अब तो बसंती कुत्तों के सामने नाच भी ली। हाय 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 हाय, जो अच्छी बात नहीं है। चलो जाओ, अबे मूड नहीं है, चलो जाओ। दोनों मिशन जाओ, तुम मिशन को घुइने की खेत में। ओ गॉड गॉड गॉड, ये सुल्तान तो धमकी पर उतर आया है, लेकिन वो जानता नहीं कि उसके सामने कौन है। उसके सामने एक जांबाज, एक शेर ऑफिसर है जिसका नाम है हप्पू सिंह। इतने आप गलत हो, वो अच्छे से जानते हुए, वो जानते हुए कि हम कचू नहीं कर सकते, यही वजह से हमने अपने परिवार की जिंदगी खतरा में डाल दी। उसका मतलब उस पांडे सुल्तान को पता चल गया कि आप जैसा नाकारा फट्टू दरोगा पूरे कानपुर में नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो मनोहर, भूल गए वो वीडियो जो वायरल हुआ था जिसमें हप्पू ने वो टेररिस्ट दुर्गांध का अंत किया था। एक्सक्यूज मी सर, हप्पू सर क्या आप इस मामले पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? साहब असल में का है, वो वीडियो नकली है तो अपने परिवार पर रौब झाड़ने तुम इम्प्रेस कर रहे थे परिवार वालों को, बचक्कर में बनाओ तू। क्या तुम बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे, जब मनोहर को भी सच्चाई पता है, बता। तुम्हारा मतलब है वो जो वीडियो हमने देखा था उसमें वो दुर्गांध था वो नकली था? अरे जय ने सब रिकॉर्डिंग करी, सब कछु नकली है, तू बता। सर मुझे मजबूर किया गया था सर। अरे मजबूर कौन ने करो तो तो साहब माफ करो, बामे ना पड़ो। अबे आप जब बात पे ध्यान दो कि सुल्तान पांडे ने धमकी दी है, जो भी परिवार खतरे में, जो भी हो
लेकिन तुमने हप्पू चीटिंग की है और तुम्हारे बारे में जो मेरी राय थी वो तुमने साबित कर दिया कि वो सही थी। करेक्ट, आपकी जो जो राय हमारे बारे में है वे सब सही है। आप अभी हमारी कमियां ना देखो, अभी हमारे परिवार की जान बचा ली। तुम्हारा अलग ही टैलेंट है। थैंक यू सर। हर बार उल्टा काम करके फंसा देते हो। अब साहब हमें क्या पता तो कि हमारा इतना छोटो सो झूठ इतनो बड़ो कांड कर देगो, इतनो बड़ो राय तो जो फैल गए वो कैसे समेटे? खुद समेट। मेरा मतलब सर हापुस सर ने ड्यूटी का मजाक बनाकर रख दिया है सर। अरे एक दरोगा होकर झूठी वीडियो वायरल कर दी, झूठी सर। सबसे पहले तो इस इंसान को सस्पेंड कर देना चाहिए सर। गुड आइडिया। यस वेरी गुड। पहली गलती तो हप्पू की है। यस yes. और दूसरी तुम्हारी। तुम्हें भी सस्पेंड कर देना सर, चाहिए। सर मैंने पहले बता दिया, मुझे मजबूर किया गया। मन करो तू मजबूर, फालतू की बातें कर रहा हूँ, अपने मन से बनाओ तो झूठ बोल रहा हूँ। हमारी सुनो, वो तो बाद में करियो, अभी हमारी परिवार की जान खतरा में, उनकी रक्षा तो करो। ठीक है, थैंक यू सर। कल शाम को 8 बजे तक का सोचने का वक्त दो, मैं सोच के बताता हूँ। ओके। हप्पू ये कहाँ हो गया? वो सर्दी में भी तेरे पसीने से छूट रहे। मम्मा हमें तो लगा था कोई तबीयत तो ना खराब है, कहे दबा दे। दबा दियो। अरे ना गलो दबा दियो, चैन की मंजी बजाओ फिर। जे कैसी बातें बोल रहा हूँ? सही तो बोल रही है अम्मा, सस्ते में निपटने की तैयारी में है। हा? तो मैं पता वो पांडे सुल्तान के अगर हम हाथ आ गए ना, कसम से कह रहे दौड़ा दौड़ा के मारेगू हमें। तुम इतने बड़े बहादुर, तुम कहीं डर रहे हो? बस तुम कह रहा तुम जाने एक ठैया वीडियो देख लो, पति को बिल्कुल बहादुर समझ लो। जो भूल गई तुम छपकली बिसार हो दीवार में, अम्मा दीवार में ऐसे चलती थी हमें जो बड़ो मगरमच्छ नजर आते तू। कुत्ता सारी गली में रोते थे हमें स्कूटर से रात में, आती तक नहीं है हमारी रुलाई छूट जाती है, इतनी भी बहादुर नहीं है। रुक रोइयो बाद में, पहले जे बता कि वो जो लोटिया का जो वीडियो हतो वो कैसे बन गया? का हाउ वो सारू सुदर्शन को जो लौंडा है बाकी साथ कौवा के साथ मिलके बनाओ अपनी बहादुरी को वीडियो, ताकि तुम्हारी और तुम्हारे दूध की इज्जत रह जाए। तो घुइया इज्जत रखी तूने हमारे दूध की, अरे शर्म से हमाओ सर झुका दो। सर झुका दो और हम जो तुम दूंगा के चक्कर में हर बार बलि को बकरा बनते हैं। अरे तुम्हें नहीं लगता लौंडा कितनो बहादुर है? लोटिया जैसो सारू सचमुच में गुंडा हो ना तो हम लोटा लेके पहले निकल लें। अरे हमने सब नकलिया करो जो सब अब, लेकिन भाव का बात चक्कर में सुन लो, वो पांडे सुल्तान हमारी जान के पीछे पड़ो शमशान भेजने की तैयारी में है, अब लपेट गए हम। अरे हमें का बता रहा हो, हमें तो पहले से ही पता हो तो कि तू इतने बड़ा डरपोक है, तो अब देखना तेरी लुगाई हमें कैसे ताना मारेगी। नाना अम्मा हम तो बस ऐसी टांग खींच रहे थे, और जो हमारे भी पति हैं इनकी इज्जत की 12 बजे तो हमें बुरा लगी है। हाँ दुनिया के सामने इनकी पोल खुल जाइए, लेकिन हमारे लाल की तो जान पे आ गई है ना। अम्मा बस तब भाई हम कहते कि काश तुम्हारा बेटा भी हमारे बेटे की तरह बहादुर हो, तो और कछु नहीं है। मास्टर जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ अरे जाको भी पुरस्कार मिली जी, बहुत बहादुर बच्चा, बाको कान रोड़ रहे हैं आप, बताइए। बहादुरी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं आपके इस नालायक का, क्योंकि इसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि आपके लाल में संस्कार कूट कूट के भरो है, अब कहाँ गए? अरे तब हमें नहीं पता था कि आपका ये नालायक ऋतिक इतना बड़ा चंट है। अरे हमें तो पहले ही पता है तो कि जे चंट है गो बिल्कुल अपनी अम्मा पे जो गाऊ है, लेकिन इनने आपके साथ क्या चतुराई दिखा दी? सिर्फ हमारे साथ नहीं, इसने सबके साथ चतुराई की है। उस पान वाले के साथ मिलके इसने बहादुरी के झूठे किस्से गढ़े हैं। ना किसी किडनैपर से बच्चे को बचाया है और ना ही बदमाशों से भिड़ा है, क्योंकि इसके अंदर संस्कार नाम का चीज नहीं है। देख लिया बहू अपने दूध की ताकत, संभालिए अपने इस नालायक को।
काम के न काज के दुश्मन अनाज के। कहे का बोल रहे जे? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी दादी। सॉरी सॉरी कर रहा हूँ, तेरी चक्कर में सारे जो कांड भाव है, तेरी बहादुरी के चक्कर में तेरी मम्मी फूल ही नहीं समा रही और हमारी अम्मा के खोपड़ी के पर नाच रही है, यही की वजह से सब भाव है। हमारी अलग लुटिया डूब गई। हेलो, तरुण का आपू सिंह बोल रहे, कौन बोल रहा हो? अपनी मौत की आवाज को नहीं पहचान रही हूँ? पांडे सुल्तान, तुम्हारी मौत। अरे अरे सुल्तान भैया, बहुत लंबी उम्र है, आप ही को फोन करने के लाने स्कूटर बंद करूं कि आपको फोन आ गो? हमारी उम्र तो बहुत लंबी है पर तुम्हारी बित्तू सी बची है। कैसी बातें कर रहे, हमसे गलती हो गई, हमारी बुद्धि कोठा पर नाचन गई थी, जो हमने थाने में आपके लाने ऊट पटांग उल्टी सीधी बातें कर दें। सीधा तो कुछ नहीं बोला है, उल्टा ही उल्टा बोला है तुमने। अरे दादा, तो हम माफी तो मांग रहे पर हम दे ना रहे ना। जरा अपने स्कूटर के नीचे देखो, अच्छा अच्छा हाँ, जल रहा है, दिवाली के बल्ब जैसो कछु जल रहा है। चुप, ये तुझे दिवाली की लाइट दिख रही है? बिल्कुल घसिया रहे हो क्या बे? अप्पू सिंह, अगर ऊपर जाने की ज्यादा जल्दी है तो उतर जाओ स्कूटर से, हैं? क्योंकि जैसे ही तुम स्कूटर से उतरोगे, स्कूटर से उतरते ही बम फटेगा। स्कूटर के नीचे बम लगूंगा? हाँ। अरे दादा, अब जब तक तुम स्कूटर पर बैठे रहोगे तुम्हारी सांसें चलती रहेंगे और जैसे ही स्कूटर से उतरोगे बम फट जाएगा। हमारी बात गलत बात। अप्पू सिंह जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद साहब। अच्छा हुआ मिल गए, मेरी आज मॉर्निंग वॉक कुछ लंबी हो गई थी, मुझे 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 घर छोड़ दो। नहीं नहीं सर, 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 क्या हुआ? उत्तर क्यों गए और मुझे क्यों ये थमा दिया? अरे स्कूटर में बम लगो है, क्या करूँ आपने? फंस गो, क्या करूँ आपने? ये तो सचमुच बम है। अब आप टेंशन न लियो, हम बम स्क्वाड वाले को बुला के ले जाएंगे, बम डिफ्यूज कर दे। क्या होगा, क्या कर दो आपने? अप्पू।